29 दिसंबर 2020 डे फॉर द समिट, हर की दून जाना है और आज है फाइनल डे। और ये है ओसला से मॉर्निंग का नज़ारा। अभी मैं अभी वॉशरूम जा रहा था और यहाँ अभी उस तरीके से कनेक्शन नहीं है पानी वगैरह के, तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बाल्टी भरना है और सी ये जम गया है बर्फ जम गई है, इस वाले डब्बे में भी बर्फ जम गई है और इस वाले के अंदर भी बर्फ जम गई है। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं एंड बस अभी फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद 8 बज रहे हैं अभी, अराउंड हाफ एन आवर में हम रैप अप करके हर की दून के लिए निकलेंगे और वहाँ से उस वाली चोटी को अभी दिखेगा नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, करीब से देखेंगे। ओ छोटी सी दिख रही है ओ वहाँ पे। तो यहाँ से पानी भर के अब वॉशरूम जाना है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, फिलहाल मैं हाथ सेक रहा हूँ, बिल्कुल जम गए थे वरना। आज हम पराठे खाएंगे और पराठे पैक करके ले जाएंगे इस सफ़र में बहुत से उतार चढ़ाव थे और आज अंत में मंजिल देखने की खुशी है, एक सुकून सा है। सनराइज हो चुका है और हम तीनों रेडी हैं ट्रैकिंग के लिए। हेलो सर, और ये हमारे गाइड। वो है सीमा, वहाँ पे भी एक गेस्ट हाउस है। हर की दून से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? हर की दून से कंडारा। चलो चलो चलो, मस्ती कर रही है। ये इस तरफ सूरज है, पैरेलल चल रहे हैं हम और वो वाला ही है हर की दून पीक अपनी मंजिल। और यहाँ से अराउंड 12 किलोमीटर है 6 किलोमीटर पे भी एक कलकत्ती धार आती है, वहाँ पे भी एक ढाबा है। ये स्पीक से सूरज कवर हो गया और ये जो नदी की आवाज़ आपको आ रही है ये सुपिन नदी है। पूरा मतलब नीचे तालुका से इस यही नदी को हम फॉलो कर रहे थे, उस समय हम इसके राइट साइड में थे और ओसला के बाद से हम इसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से जा रहे हैं और मतलब बड़ी मज़ेदार वैली है और आज के दिन पे यहाँ पे मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है कि हम शायद आखिरी ट्रैकर्स होंगे और फिलहाल ये आखिरी ग्रुप है और हमारा भी इस साल का आखिरी ट्रैक है, मज़ेदार है। ये बर्फ जमी हुई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पत्ते हों। यहाँ गांव में आज भी ट्रेडिशनल घराट है वाटर मिल्स, जहाँ खुद से आपको अनाज लेके पीसना होता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, चलते हैं एक बार। उस साइड से नदी का पानी आ रहा है और यहाँ से ये पानी जो है सी इस थ्रॉटल से होते हुए कितना फोर्सफुली जा रहा है, बहुत हाई प्रेशर से जा रहा है और उसके बाद वहाँ से वो चक्की घुमा रहा है, जो पानी फोर्स से आ रहा था इस रोटर को घुमा रहा है वो सी। जितना ये गांव टेक्नोलॉजी से दूर है उतना ही सुंदर है।
हमारा गाइड कहाँ है? हमारा एक्चुअली गाइड अब तक आया नहीं है और हम ही निकल रहे हैं काफ़ी देर से। ये होगा कौन सा, ये वाला? एक ही है वैसे तो, कहीं से भी चल लो। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, हरी मतलब भगवान और दून मतलब वैली, सो इट्स अ वैली ऑफ गॉड। जो मैं आपको हर की दून पीक बोल रहा हूँ वो एक्चुअली अट्टा पीक है। उसे सभी लोग कैजुअली हर की दून पीक कहते हैं, बट एक्चुअली हर की दून पीक नहीं है, एक वैली है। वो वैली जो स्वर्गारोहिणी, ब्लैक पीक और अट्टा पीक के बीच से होते हुए गुजरती है। आगे सब कुछ करीब से दिखाऊंगा। तो बस स्टार्ट ही किया हमने, बट वहाँ पे एक बैंड है, वो है कलकत्ती धार, और वहाँ से जितनी भी पीक्स हैं वो सारी हमें दिखेंगे। ये रास्ते में छोटे छोटे होटल्स हैं, बट ये जब सीज़न होता है गर्मियों के टाइम पे, आफ्टर मार्च, उसके बाद ये खुलते हैं। फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं खुला हुआ है, और हम तीनों ही और विद गाइड चार लोग अकेले ही हैं इस ट्रैक पे। ये इस GoPro की आखिरी फुटेज है, और यहाँ से लास्ट 3 दिन की फुटेज गायब है। 4 दिन तक रोज़ कोशिश की रिकवर करने की, बट फाइल्स करप्टेड निकली। ये मुझे पहला एडिट करने के बाद रियलाइज़ हुआ। बहुत बुरा लगा इस बात का। CI जस्ट डोंट कैप्चर गुड व्यूज़ बट द लाइफ इनसाइड। हर एक सेकंड में ज़िंदगी थी। दिल रोस आ गया था इस बात से, आगे एडिट नहीं कर पा रहा था। फिर सोचा नहीं करूँगा तो आगे बढ़ूँगा नहीं। एक चैलेंज की तरह लिया इसे, और सोचा ए रोल गायब है ना, बट बी रोल्स तो हैं। सुदीप के फ़ोन के फुटेज, चेस्ट माउंट वाले GoPro के फुटेज, सोनी के फुटेज और ड्रोन के फुटेज। कहानी तो पूरी करूँगा ही, होपफुली आपको भी पसंद आएगी। हम लोग ऑलमोस्ट कलकत्ती धार पहुंचने वाले हैं, मतलब कि हाफ वे होने वाला है। कलकत्ती धार तक चढ़ाई है और फिर हम नीचे उतरेंगे। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है, और जो नज़ारे दिखते हैं वो कमाल हैं। ये जो बर्फ से ढका रास्ता आप देख रहे हो, ये है देवसुथाज। ये रास्ता रूनसारा लेक के लिए जाता है, फिर बाली पास से होते हुए आप सीधा यमुनोत्री निकल सकते हो। ट्रैकर्स के लिए ये जगह जन्नत है। ये बंदर पूंज रेंज है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली है ब्लैक पीक, ऑल्सो नोन एज कालानाग, और राइट में जो पीक आप देख रहे हो ये है स्वर्गारोहिणी पीक्स। 100% तो नहीं कह सकता, बट ये सब हमें गाइड ने बताया था। और स्वर्गारोहिणी पर्वतों को हर की दून से हम बिल्कुल पास से देखेंगे। एक छोटा सा कन्फ्यूजन है लोगों को स्वर्गारोहिणी को लेकर, ध्यान से सुनना। कहते हैं पांचों पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया था, और जिस रास्ते से वो स्वर्ग गए थे उस रास्ते को कहा जाता है स्वर्गारोहिणी, और वो गए थे सतोपन से, यानी कि सत्य के रास्ते से होते हुए। हिस्टोरिकल एविडेंस देखे जाएं तो भीमपुल, सरस्वती रिवर, लक्ष्मी वन, सहस्त्रधारा, सतोपन ताल, ये सब हैं बद्रीनाथ से आगे माणा वाले रास्ते में, जो कि एक्चुअली लेजेंडरी स्वर्गारोहिणी है, यानी कि स्वर्ग का रास्ता या स्वर्ग की सीढ़ियां। बट ये जो पीक्स हैं स्वर्गारोहिणी 1, 2, 3, 4, ये माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग के लिए पॉपुलर हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही उत्तराखंड में हैं। और भोलेनाथ ने चाहा तो इस साल आपको बद्रीनाथ से होते हुए स्वर्ग का रास्ता भी दिखाएंगे। यहाँ से सारी पीक क्लियर दिख रही है। पहाड़ों, थैंक यू, इतनी हिम्मत हौसला देने के लिए। और इसके बाद आपको दिखने वाला है हर की दून पीक, उस मोड़ के बाद।
तो ये हाफ वे था कलकत्ती धार जो हमने क्रॉस किया, तो यहाँ पे कैंपिंग एरिया है। सीज़न के टाइम पे यहाँ पे काम वगैरह भी लगते हैं, खैर अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट हाफ वे में मतलब हर की दून से लगभग 6 किलोमीटर पहले यहाँ पे काम लगते हैं। तो फिलहाल नीचे उतर रहे हैं, मतलब यहाँ से तो ढलाई लग रहा है। एक्चुअल में वो कलकत्ती धार तक ही था जो टफ था ना, यहाँ से थोड़ा इजी है। ओए, ये तो बिल्कुल धस रही है। सी, यहाँ पे एक ढाबे वाला रहता है सर, 2-3 दिन पहले तक तो था, अभी कल हैवी स्नोफॉल हुआ शायद उस वजह से चले गए। और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, ओए जम गया ये तो। सी, उस पानी के अंदर से मतलब उस बर्फ के अंदर से पानी जा रहा, मतलब बाहर एक बर्फ की लेयर जम गई है। रास्ता थोड़ा हार्ड है, बर्फ का है, इसको क्रॉस करते हुए जाना है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे क्रॉस करते हैं। यहाँ से आ जाओ क्या? अरे तो मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है यार। ये पत्थर है ना? मुझे हाथ दे दियो। हाँ। एक्चुअल दिक्कत मां पता क्या, अबे फिसल रहा है भाई ये भी। ओए, बच गया। इस साइड धूप नहीं पड़ी होगी ना, धूप नहीं पड़ी होगी ना सही से, पेड़ होगी वजह से तो थोड़ा बर्फ जमी हुई है। बोले यार स्टिक चाहिए थी। हाँ अभी पलट गया था। हाँ ये जूते जम गया क्या इनके नीचे कुछ? बहुत फिसल रहा है यार। गिरना उठना फिर गिरना फिर उठना, ये सब एक्साइटिंग लग रहा था क्योंकि पता था आज मंजिल दिखेगी। बस अब आखिरी पड़ाव है और यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मानो ये वैली खुलती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर हम सोच रहे हैं कि नीचे कैसे जाएं। यहाँ से गिरने वाला सीधा खाई। परफेक्ट टाइम था लंच का, बिल्कुल चमकती धूप में। उसके बाद मैं आपको पूरी जर्नी का रूट मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा लंच ब्रेक कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जर्नी शुरू हुई थी सांकरी से, फिर तालुका, गंगाड़, ओसला, कलकत्ती धार और अब हम हैं मंजिल के पास। 1920 मीटर पे है सांकरी और 3566 मीटर पे है हर की दून वैली, मतलब कि 1646 मीटर का एलिवेशन तय करना है 30 किलोमीटर की ट्रैकिंग पे। तो इजी ट्रैकिंग है अगर आप स्टे करते हुए आगे बढ़ते हो। इस पीक को तालुका से देखते हुए आ रहे हैं और अब जब पास हैं तो यकीन नहीं हो रहा है कि पहुंच गए हैं। और सच में इट इज अ वैली ऑफ गॉड। और अब जिस पल का इंतजार हम सबको था ये है हर की धुन।
गांव वाले इसे हर की धुन भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है बहुत पहले एक ढाकी थे ड्रमर, जो कि भगवान सोमेश्वर के स्वागत के लिए घाटी में सदियों पहले कहीं खो गए थे। सोमेश्वर भगवान शिव जी का ही एक रूप है और हर वर्ड शिव जी के साथ ही जोड़ा जाता है, तो यह शिव की धुन है हर की धुन। हमारे सीधे आगे है जौंधार ग्लेशियर और राइट में जो आप पर्वत देख रहे हो ये है स्वर्गारोहिणी पीक 1 और 2। और ये है अपनी मंजिल हर की दून पीक अट्टा पीक। अगर आप इमेजिन करके भी एक पेंटिंग बनाओगे तो भी इतनी सुंदर नहीं बना पाओगे। ये है ऊपर वाले की पेंटिंग। बिल्कुल अनसर्टेन था यहां तक पहुंचना, बट कहते हैं ऐसी जगह का बुलावा आता है। और जितना भी देख रहे हैं डूबते चले जा रहे हैं। सिर्फ एक ही गम था, हम यहाँ रुक नहीं सकते थे क्योंकि चौकीदार स्नोफॉल के बाद आए नहीं, कैंप हमें यहाँ लाने नहीं दिया गया और आज ही पहुँचना है ओसला। वरना जिस तरीके से हम लोग हैं ये पर्वत एक्सप्लोर कर जाते, एक एक पत्थर देख जाते, यहाँ की शाम, यहाँ का सनसेट और यहाँ की सुबह ले जाते, बट कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी ज़रूरी हैं, दोबारा मिलने की आस रह जाती है। ये हजारों किलोमीटर की जर्नी, इतने सारे उतार चढ़ाव, बड़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, ढेर सारी खुशियाँ, और सब के बाद आई हैव लॉस्ट माई फुटेज। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें आई ये इसलिए आई क्योंकि इस टाइम पे लोग हर की धुन नहीं जाते। चाहते तो हजारों लोगों की भीड़ के साथ केदार कांठा चले जाते, बट पंगे लेने थे। सीधी सी बात है, पंगे लोगे तो लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन, हमारी सोसाइटी हमें स्ट्रगल एम्ब्रेस करना नहीं सिखाती। सीधे रास्तों को सही बताया जाता है, कंफर्ट को सक्सेस बताया जाता है। इन सारे फंडों को एक एक करके तोड़ूंगा आप ही के सामने इन्हीं वीडियोस के थ्रू। एनीवेज, कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, आगे की कहानी बताता हूँ आपको। अब हर की दून से हमें वापस ओसला पहुँचना है, मतलब कि आज टोटल 24 किलोमीटर का ट्रैक किया हमने। कलकत्ती धार से सनसेट देखा और रात होते होते हम ओसला पहुँच गए। वो साइड से चांद दिख रहा है फुल, और ये हम लोग बैठे हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा लाइट देना किसी को, पर चांद की पूरी रोशनी आ रही है। 6:30 हो गया, बस अब पहुंचने वाले हैं। अगले दिन हम सांकरी वापस पहुंचे। अब न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था एकांत में, तो एक गांव है नासना करके सांकरी से अराउंड 30 किलोमीटर पे, उसके पास में ही हमने कैंपिंग की, अपना चूल्हा बनाया, खुले आसमान के नीचे नाचे और कुछ इस तरीके से हमने 2020 को अलविदा कहा। चूल्हे के लिए लकड़ी हमने इकट्ठा कर ली है, अब हमें कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जो रात भर हमें गर्म रखे। मतलब इस लकड़ी को रात भर के लिए ले जा रहे हैं हम। भीम है हमारे साथ। भीम यहाँ पे बेस तैयार है और ये है एकदम। अजीत और सुदीप जो है वो गांव गए हैं उस साइड, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे सी इस लकड़ी को भी मैं जो ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉक है वुडन का, तो इस पे भी मैं जो है आग जला दूँ। अब ये हमको रात भर जो है वार्म रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में भी चला जाता है,
तो ये फिलहाल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक जल रहा है और यहाँ पे हमारा चूल्हा है जिसपे हम खाना बनाएंगे। दोनों थोड़ा पास पास हो गए। और एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो भी वुडन ब्लॉक हो या जो भी आप जलाना चाहते हो उसके लिए आप एक बेस ऐसा बनाओ कि वो ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ हो। जैसे मैंने एक ये बेस बनाया और एक ये बेस बनाया, उसके ऊपर ये वुडन ब्लॉक रखा है ताकि नीचे की तरफ से ये बर्न हो सके। सिमिलरली मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया था, चूल्हे के नीचे मैंने पहले कुछ लकड़ियाँ ऐसे रखी थी एंड देन परपेंडिकुलरली बाकी की लकड़ियाँ रखी ताकि थोड़ा सा गैप मिले, एयर मिले ताकि वो जल सके। खाना बनाने के लिए और रात गुजारने के लिए हमारे पास इनफ लकड़ियाँ थी, बट इस प्लेस को ढूंढने का जो स्ट्रगल था बड़े कमाल का था। वो मेन फुटेज करप्ट है, अब जो है वो दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे कैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है, यहाँ पे हमने एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिससे हम सबको गर्मी मिल रही है। यहाँ पे सुदीप आग सेक रहा है, अजीत इनको कुक कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का टेंट कैरी करना सफल हुआ। और ये थी हम लोगों की हर की दून की कहानी। जैसा सोचा था वैसा तो प्रेजेंट नहीं कर पाया, बट शायद प्रेजेंट ही नहीं करता तो एक रिग्रेट रह जाता। और जिंदगी में अच्छी बुरी यादें होंगी, रिग्रेट नहीं रखने हैं। मिलते हैं आपसे अगले सफर में। जय भोलेनाथ। क्या कर रहे हो तुम लोग?